दृश्य मतलब बेइंतहा बता नहीं सकते कोई मतलब नो वर्ड्स। अच्छा ट्रेलर देखकर क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिले थे आप सभी से एक एक? ट्रेलर देख के तो अभी तक तो किसी ने उसको कमज़ोर नहीं बोला है और अभी तक किसी ने उसकी बुराई नहीं की है और इंशाल्लाह 27 नवंबर को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि उसकी बुराई नहीं होगी क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्म बनी है। बहुत अच्छा लगा लोगों को ट्रेलर देख के, सब ने बहुत तारीफ़ की, बाकी फिल्म देख के पब्लिक बताएगी 27 को। सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस तो है ही, अब कैसे हो पता नहीं, बट यस द मूवी विल गो गुड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय नाउ। पहले ऐसे लग रहा था लेकिन आज जब मूवी या ट्रेलर वगैरह देखा यार, हम गुड़गांव जो सिटी टूर करके आए हैं तो उसमें मैं पहले कुछ था मेरे डाउट, लेकिन अभी पूरे नो डाउट और क्लियर हो गया और बहुत खुशी है और बहुत अच्छा जो मेरे सपोर्ट किया है, जो मेरे हीरो हैं, डायरेक्टर हीरोइन पूरे आने ऑल कास्ट जो मेरी है उसको बहुत सपोर्ट करके उसको सबको थैंक यू। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म की कहानी किस तरह की है, क्या कुछ स्टोरी होगी? कहानी एक गांव से शुरू होती है, हमारे दिल्ली के नजफगढ़ के गांव ऐसे रखा है तो उसी से शुरू होती है कहानी। एक अच्छे स्टूडेंट की है, एक अच्छे लड़के की है जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, फिर धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा होते हैं कि वो गैंगस्टर बन जाता है। तो इसके बाद में आप देखेंगे 27 को कि कैसे कहानी आगे बढ़ती। आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किरदार को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने? जी हाँ, प्रिपरेशन तो बहुत कुछ करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। मुझे बोला गया कि एक सीधे साधे लड़के का रोल है जो कि मैं दिखता नहीं हूँ तो पहले तो सीधे साधे लड़के का रोल करने के लिए मुझे डाइट फॉलो करना पड़ा और एकदम सीधा साधा लड़का बनने के बाद फिर सेकेंड हाफ जो है वो एक गैंगस्टर का है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। बहुत मेहनत के बाद फिर किरदार को निभाया और जब 27 को रिलीज़ होगी तो पूरा किरदार आपको पता चलेगा। मैंने ऑडिशन किए थे हाँ मतलब थोड़ा बहुत, सो आई एम प्लेइंग अ कर्नल डॉटर, तो जो थ्रू आउट लगी रहती है मिस्टर बलबीर को सुधारने में, तब वो सुधार पाती है या नहीं पाती अभी आपको देखना पड़ेगा। बड़ा एक बहुत मतलब मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को स्टार कास्ट फाइनल करने के लिए, लेकिन मेरे को मेरे प्रोड्यूसर की सपोर्ट थी कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो ये दोनों हमारे इतने अच्छे टैलेंट है, बाकी आप देखेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। यही कहूँगा सर, 27 को हमारी पिक्चर देखिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिए। सर रिलीज हो रही है 27 नवंबर, प्लीज सब लोग जाइए देखिए और सुपर हिट करिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम थैंक यू। सबसे पहले किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं उनकी तरफ से, क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं फिल्म को? फिल्म को बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि एक जैसा कि फुल ऑफ एक्शन फिल्म है, गैंग वॉर बेस्ड फिल्म है, तो इस तरीके का सिनेमा काफ़ी समय से लोगों ने नहीं देखा है। दबंग आई थी फिल्म उसके बाद से, तो लोगों को एक वापस एक स्पेशल फ्लेवर जो एक गैंगस्टर की स्टोरी के ऊपर है वो मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थोड़ा कुछ कहानी के बारे में अगर ऑडियंस को बता दें। कहानी है इस सरफिरा की, वही एक IPS ऑफिसर बनना चाहता है और वो किस तरह से एक पूरे सोशल सिस्टम और एक जो एक आपका एक लॉजिस्लेशन का और एक लॉ का सिस्टम होता है उससे किस तरह विक्टिमाइज हो जाता है और वो फिर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी। आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, थिएटर में आइए, फिल्म को सराहिए और जैसा भी काम किया है उसके उसके बाद रिलीज मैंने किया है फिल्म को, मेट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है हमारी जिससे हमने मिलकर रिलीज़ किया है। मेरा नाम जयवीर पंघाल है और मेरी टीम है पूरी, उन सब ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ किया है। तो टोकस भाई का प्यार है, जो प्रोड्यूसर है पिक्चर के, तो बार बार बोलते हैं कि जयवीर भाई ने किया, जयवीर भाई ने किया, बस वो है कि हम सब ने मिलकर किया है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जयवीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं, जो ये रिलीज़ कर रहे हैं और इतना प्लेसमेंट मेरे को दे रहे हैं जो उम्मीद से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इनके लिए बार बार धन्यवाद। मेट्स एंटरटेनमेंट जो रिलीज़ कर रही है जयवीर पंघाल।